नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्षाबंधन पर स्कूली छात्रों ने एसपी और सुरक्षा कर्मियों को बांधी राखी, कहा भारतीय संस्कृति और संस्कारों का प्रतीक है त्योहार। 13 अगस्त को देश भर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, भागलपुर में 25 बेंचों पर होगी लंबित मामलों की सुनवाई। पंजवारा घोघा मुख्य मार्ग पर ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी टक्कर, 5 की हालत गंभीर। नवार्ड ने शुरू किया 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुनकरों को मिलेगी ट्रेनिंग, होगा आर्थिक लाभ। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ों को बांधा गया रक्षा सूत्र। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के नवगछिया स्थित गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य और छात्रों ने रक्षाबंधन त्योहार को लेकर गुरुवार को नवगछिया के एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ वहां मौजूद पुलिस के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान आरक्षी अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के साथ सभी सुरक्षा कर्मियों ने भी विद्यालय की बहनों और छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया और अपनी ओर से सभी बहनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिया। इसमें सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि यह पावन त्यौहार राष्ट्रीय संस्कृति के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। साथ ही आरक्षी अधीक्षक ने बहनों को शुभ आशीष देकर उन्हें मन लगाकर पढ़ने और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में परिश्रम करने के लिए उत्साहित किया। साथ ही एसपी ने विद्या भारती के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यों से बच्चे शिक्षा के साथ संस्कारों और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझ पाते हैं। वहीं पुलिस कप्तान और जवानों को राखी बांधने के बाद छात्राओं में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल बाबू राय, आचार्य चंद्रकांत झा, स्मृति कुमारी, प्रिया कुमारी, शिव शंकर कुमार समेत स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। मैं गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य हूँ, स्मृति कुमारी। आज रक्षाबंधन के बारे में यह कार्यक्रम था। हमारा विद्या भारती यह बतलाता है कि अभी भी हम लोगों को अपने जो संस्कृति है उसको जागरूक करना है, जगह जगह जाकर लोगों को अपने महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में यह बतलाना है कि इसका क्या महत्व है, भाई बहन के रिश्ते को जागरूक करना है। हमारे पुलिस अधीक्षक जितने भी अधिकारी हैं वह वंचित रह जाते हैं अपने परिवार से, जिन्हें जाकर हमारी छोटी छोटी बहनें राखी बांध कर उनको बतलाती है कि भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने नवगछिया के एसपी को रक्षा सूत्र बांधा। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे विद्यालय में ये बताया जा रहा है कि हमारे भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। हमारी हिंदू संस्कृति अभी भी कहीं जागृत है, इस बात का सबूत है सरस्वती विद्या मंदिर। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम अपने भाई बहन को राखी बांधते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारी जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों की सुनवाई के लिए भागलपुर व्यवहार न्यायालय भवन परिसर में 18 बेंच लगाई जाएगी, जबकि नवगछिया कोर्ट में 6 बेंच और कहलगांव कोर्ट बिल्डिंग में 1 बेंच समेत जिले में कुल 25 बेंचों पर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान भागलपुर सिविल कोर्ट बिल्डिंग के कोर्ट रूम 1 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र न्यायिक पदाधिकारी के रूप में खुद मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान अलग अलग बेंच पर ADJ 1 अरविंद कुमार शर्मा, ADJ 3 रोहित शंकर, ADJ 4 राजकुमार चौधरी, ADJ 7 लवकुश कुमार, ADJ 14 विवेक कुमार, ADJ 16 विश्व विभूति गुप्ता और ACJM 1 प्रवाल दत्ता समेत कई ADJ ACJM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट पैनल अधिवक्ता और पक्षकार की मौजूदगी में आपसी सहमति से मामले का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना और क्रिमिनल कंपाउंड के लंबित मामलों के अलावा बिजली विभाग, बैंक लोन, BSNL विभाग और पारिवारिक विवाद संबंधित मामले, राजस्व एवं श्रम विभाग से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई होगी। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में उद्घाटन समारोह की तैयारी की जा रही है और इस समारोह में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम समेत डालसा के कई पदाधिकारी, कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता भी शामिल होंगे।
भागलपुर के पंजवारा घोगा मुख्य मार्ग स्थित सनहोला थाना क्षेत्र अंतर्गत करहरिया होटल के पास गुरुवार को ऑटो और ट्रैक्टर की आमने सामने की हुई टक्कर में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर काफी तेज गति से धोरैया की ओर से आ रहा था, तभी सामने की ओर से धोरैया जा रही ऑटो से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे ऑटो एक दुकान में जा घुसी और ऑटो सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर भी सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। वहीं ऑटो सवार 5 घायलों को आसपास के लोगों और सनहोला पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए सनहोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगन अस्पताल भेज दिया। घायलों की पहचान कमालपुर गांव निवासी सब्बुल मंसूरी के पुत्र 35 वर्षीय मुर्तजा मंसूरी, धोरैया के कदमा गांव निवासी सुभी पासवान के पुत्र रोहित पासवान, अम्बिया निवासी अमित शाह और उसकी पत्नी अनिता देवी के साथ 1 वर्षीय पुत्र राजवीर के रूप में हुई है। फिलहाल सभी घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची सनहोला पुलिस ने ट्रैक्टर एवं ऑटो को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। नाथनगर दरियापुर में नाबार्ड के द्वारा नैवस्किल परियोजना अंतर्गत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत अतिथियों को बुके देकर की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिल्क कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद बेसारे ने कहा कि नाबार्ड द्वारा बुनकरों को 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बुनाई का कार्य करने वाले बुनकरों को डिजाइन कन्वर्ट करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें मार्केट में अधिक रिस्पॉन्स और कीमत मिल सके। साथ ही कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बुनकरों को इसका अधिक फायदा और मुनाफा भी होगा। मौके पर पटना से आए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के महाप्रबंधक सुधीर कुमार रॉय, यूको बैंक के जोनल मैनेजर उपेंद्र मोदी, रेशम खादी उद्योग संघ के सचिव वसीम अहमद समेत काफी संख्या में बुनकर मौजूद थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सतत यह प्रयास रहा है कि किस तरह से बुनकरों का और विभिन्न विविध में कौशल उन्नयन किया जा सके, ताकि जो लोग अभी मार्जिनल इनकम पर हैं उनके आय को बढ़ा के और ताकि वो अच्छे से जीवन यापन करें। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ नाथनगर में ये बुनकरों भाइयों के लिए ये कार्यक्रम 1 महीने का लॉन्च किया है। भागलपुर के चंपानगर नरगाकोठी स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में समारोह पूर्वक रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने छात्रों को और शिक्षिकाओं ने अपने सहकर्मी भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 5वीं कक्षा तक के छात्राओं ने अपने भैया को तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर आपस में रक्षाबंधन की खुशियां बांटी। इसके अलावा पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने प्रकृति की रक्षा के प्रति अपने स्नेह दर्शाया और सभी लोगों को पेड़ पौधे से भी भाई बहन जैसा प्यार करने का संकल्प दिलाया। वहीं इसको लेकर विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है और यह ईश्वरीय रक्षा पाने की श्रेष्ठ विधि है, जबकि प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के आपसी स्नेह और प्रेम को दर्शाता है और प्राचीन काल से ही इसका काफी महत्व है। कार्यक्रम में सेवक सेविका के साथ चालक और उपचालक को भी छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधा। मौके पर विद्यालय की आचार्य सुप्रिया कुमारी, अंजू रानी, ललिता झा, शशि भूषण मिश्र समेत काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्रा मौजूद रहे। इधर भागलपुर के रामेश्वर लाल नोपानी सरस्वती विद्या मंदिर में भी रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर बहनों ने पेड़ पौधे रूपी भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान छात्रों ने वृक्ष को राखी बांधकर वृक्ष बचाओ अभियान का संदेश देने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर वृक्षों को संरक्षित नहीं किया गया तो पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे मानव के साथ सभी जीवों का जीवन खतरे में आ जाएगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के साथ निश्चय अंतर्गत संचालित केवाईपी सेंटर समन्वय एजुकेशन का शुभारंभ बुधवार को भागलपुर प्रगति चौक के समीप हुआ। सेंटर का उद्घाटन छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के वर्दी खान, समाजसेवी विजय यादव, उत्तम झुंझुनवाला लव कुमार और आगत अतिथियों ने फीता काट कर किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत समन्वय एजुकेशन के संचालक आशीष कुमार ने किया। साथ ही आशीष ने बताया कि केवाईपी के तहत छात्र छात्राओं को सेंटर में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। वहीं प्रोफेसर फारूक अली ने सेंटर के संचालक को बधाई देते हुए कहा कि इस इलाके में यह सेंटर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि छात्र छात्रा एक ही छत के नीचे कंप्यूटर से जुड़े कई कोर्स और अंग्रेजी सीख सकते हैं। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को सरकार की स्कीम का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जबकि विजय यादव ने कहा कि वर्तमान समय में युवा मेधावी होने के बावजूद कंप्यूटर और अंग्रेजी की समझ कम होने से प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि समन्वय एजुकेशन इस दिशा में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। इस अवसर पर मिंटू कलाकार राहुल अरवाज, कामदेव कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, मैं सबसे पहले समन्वय एजुकेशन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा पहल किया है और अच्छा प्रयास किया है, और जो बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं सात निश्चय के तहत, उसमें भागलपुर में भी अच्छे केंद्र चल रहे हैं और उसी कड़ी में एक नई कड़ी ये जो प्रवृत्ति के क्षेत्र में, इस इलाके में अमूमन ये शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा संस्थाएँ इनके चारों तरफ हैं, लेकिन बेसिकली ये जो इलाका है ये उतना अग्रगामी नहीं है, तो उस क्षेत्र में इस तरह के जो सहूलियत बच्चों को मिलेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखेंगे यहाँ से और इससे जीवन को संवारेंगे। मैं अपनी ओर से भी समन्वय एजुकेशन को बधाई देता हूँ और इनके साथ जो जुड़े हुए जो वैरायटी चौक पर संस्था है या जो पीरपैती में स्थापित है और ज़िले के अन्य इलाकों में है, जैसा कि हमें बताया गया कि ये बिहार के तमाम ज़िलों में संचालित जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर्स हैं उसमें भागलपुर नंबर वन पर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाने के साथ मिठाई बांटकर आपस में गले मिले। वहीं खलीफाबाग चौक पर खुशी का इजहार करने पहुंचे कार्यकर्ताओं का स्वागत मुकेश यादव और सलाहुद्दीन ने किया। इस अवसर पर महानगर राजद के वरीय उपाध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि युवाओं के चहेते तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार ने आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जीत है। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से बिहार सामाजिक न्याय के राह पर आगे बढ़ेगा। जबकि मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार विकास की राह पर चलकर एक नई इबादत लिखेगी। मौके पर मोहम्मद समीम, रामचरण यादव, रमन शाह, संजय राम, धनंजय मंडल, बिट्टू यादव समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आठवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने को लेकर भागलपुर के पीरपैती में
महागठबंधन की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने की। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और सरकार गठन की बधाई दी। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अवधेश पोद्दार, कैलाश यादव समेत काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर राजद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सुल्तानगंज खादी भंडार प्रांगण में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने की। वहीं समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर पूर्व विधायक फैजेंद्र चौधरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल समेत महागठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अम्बेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विलक्षण रविदास पर लखीसराय पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रतिवाद मार्च किया। इस मौके पर बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के सोनम राव और आयशा के प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को पढ़ाने और समाज में उनके विचारों को फैलाने वाले डॉक्टर विलक्षण रविदास आपराधिक गतिविधियों से जोड़ना गलत है। उन्होंने लखीसराय पुलिस पर बिना जांच पड़ताल किए किसी के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। छात्र नेताओं ने कहा कि पहले भी डॉक्टर विलक्षण रविदास पर नक्सली को संरक्षण देने का आरोप लगा था, लेकिन वह भी झूठा साबित हुआ। बिहार फूले अम्बेडकर युवा मंच के सार्थक भरत और अमन रंजन ने कहा कि लखीसराय पुलिस अविलंब डॉक्टर विलक्षण रविदास पर दर्ज मुकदमा वापस ले। जबकि अभिषेक आनंद ने कहा कि संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचारक विलक्षण रविदास को हिंसक आपराधिक गतिविधियों में फंसाने की साजिश दलितों बहुजनों की आवाज को दबाने की कोशिश है। मौके पर प्रवीण कुमार यादव, अनीश कुमार आनंद समेत कई छात्रों ने प्रॉक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आज आम छात्रों के द्वारा प्रोफेसर विलक्षण रविदास को जो फंसाने की साजिश की गई है उसके खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन व मार्च किया गया है। प्रोफेसर विलक्षण रविदास पे फर्जी मुकदमे भाजपा सरकार द्वारा किया गई है। ये दलितों पिछड़ों के बुद्धिजीवियों पर हमला है। प्रोफेसर विलक्षण रविदास ऐसे व्यक्तित्व के आदमी है जो दलितों पिछड़ों समाज के हाशिए पर रहने वाले के लिए हमेशा बोलते हैं, लड़ते हैं, मजदूर किसानों के पक्ष में हमेशा लिखते बोलते हैं। भाजपा सरकार के द्वारा उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर भागलपुर नेशनल कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की गई। इस दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को प्रतिमा की साफ सफाई को लेकर जागरूक भी किया। वहीं महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंबिका कुमार ने बताया कि स्वयंसेवकों ने भारत माता की प्रतिमा सहित तिलकामांझी, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा समेत कई महापुरुषों की प्रतिमाओं के परिसर की सफाई। इस दौरान कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों ने भी स्वयं सेवकों का सहयोग करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही प्रतिमाओं के नियमित तौर पर देखभाल का आश्वासन दिया। जागरूकता अभियान में अभिज्ञान राजा, चंदन, प्रियंका सहित कई एनएसएस वॉलंटियर्स शामिल हुए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रक्षाबंधन पर स्कूली छात्रों ने एसपी और सुरक्षा कर्मियों को बांधी राखी, कहा भारतीय संस्कृति और संस्कारों का प्रतीक है त्योहार। 13 अगस्त को देश भर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, भागलपुर में 25 बेंचों पर होगी लंबित मामलों की सुनवाई। पंजवारा घोगा मुख्य मार्ग पर ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी टक्कर, 5 की हालत गंभीर। नवार्ड ने शुरू किया 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुनकरों को मिलेगी ट्रेनिंग, होगा आर्थिक लाभ। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ों को बांधा गया रक्षा सूत्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।